हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पार्ट टू, मतलब सेकंड एग्जांपल, एक अनदर एग्जांपल जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट भी उसमें इंक्लूड है कि कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है, किस बीम का मतलब एंड कंडीशन कैसा रहेगा, तो आपको रिलेटिव स्टिफनेस कितना लेना है, तो इस सब के बारे में हमने उसमें इंट्रोडक्शन के रूप में उसमें बता रखा है। आज हम एक अनदर एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक एग्जांपल, आज का एग्जांपल हमारा बेस्ड है एक फिक्स बीम पे। ऐसा बीम है जो कि आपको दोनों साइड से फिक्स दिख रहा है कि यहाँ भी फिक्स एंड है और यहाँ भी इसके फिक्स एंड है, दोनों साइड पर इसके फिक्स एंड लगे हुए हैं और इस पर एक दो सपोर्ट भी है, एक सपोर्ट बी है, सपोर्ट सी है। सपोर्ट सी पर यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया, यहाँ भी आपको हिंज सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, दो पॉइंट लोड है और एक यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर दोस्तों ये सेम ही है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब हमें चार मेथड करने हैं, पर चार स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है फाइनल इंड मोमेंट। फर्स्ट स्टेप होता है फाइनल इंड मोमेंट। फाइनल एंड मोमेंट में क्या करेंगे, तो इससे पहले भी क्लास में हमने बता रखा है कि फाइनल एंड मोमेंट जो होता है, अगर आपके पास में यूडीएल लोड है, अगर आपके पास में यूडीएल है, यूडीएल जैसा कि ऐसा सिंबल होता है यूडीएल का, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा जाता है। और ये जो आपको पॉइंट लोड दिख रहा है, ठीक है, ये जो एरो से दिख रहा है ये क्या है, ये पॉइंट लोड है। तो अगर आपके पास यूडीएल है तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे फिक्स एंड मोमेंट के लिए, वो यूज होगा WL²/12 का, WL²/12। एंड जो अगर आपके पास पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पर WL/8, WL/8 होता है जनरली पॉइंट लोड के लिए, जब वो पॉइंट लोड इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, 10 किलोमीटर है तो 2 मीटर और दो मीटर यहाँ पर है, यानी कि ये बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे WL/8 का। एंड ये अनइक्वल डिस्टेंस पर है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज होगा WAB²/L² एंड WA²/L², जहाँ ए और बी क्या होगा, यहाँ फोर को ए कंसीडर करना है और टू को बी कंसीडर करना है, ठीक है। तो इससे इस तरह से ये फॉर्मूला बना, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फिक्स्ड मोमेंट जो आया, फिक्स्ड मोमेंट, मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, ए पर मोमेंट बी के वजह से, ठीक है, ए पर मोमेंट बी के वजह से, फिर बी पर मोमेंट ए के वजह से कितना होगा, तो ये वैल्यू हमने प्लस माइनस करके सारा वैल्यू यहाँ से निकाला है यूनिट के साथ में। उम्मीद है कि ये पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप में हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं एक टेबल। उस टेबल में जो कंटेंट होता है, जॉइंट होता है, मेंबर, रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इस तरह से चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आप कहेंगे कि जॉइंट क्या होता है, तो जॉइंट के लिए देखिए, हमने पहले भी बता रखा था कि जॉइंट वह पॉइंट होता है, जॉइंट किसी भी जैसा भी बीम आपके पास में है, वह पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेंबर जुड़ा हुआ हो। जैसे बी जॉइंट अगर कंसिडर करेंगे तो बी से जुड़ा हुआ मेंबर BA होगा और BC होगा, ठीक है। तो क्या कोई और ऐसा ज्वाइंट है? जी हाँ, बिल्कुल, एक और ऐसा ज्वाइंट है हमारे पास, कौन सा है, तो C है। C से जुड़ा हुआ है CB और C से जुड़ा हुआ है CD। हमारे पास यहाँ दो ज्वाइंट अवेलेबल है, पहला ज्वाइंट हो गया B और दूसरा ज्वाइंट हो गया C। B और C दो ज्वाइंट है, B से जुड़ा हुआ मेंबर एंड C से जुड़े हुए मेंबर को हमने लिख लिया। अब बात आती है रिलेटिव स्टिफनेस की। तो हमने अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि जब आपका इंड, यानी कि जैसा भी आपका मेंबर है, जैसे BA मेंबर, यहाँ पर BA मेंबर कैसा है, तो BA मेंबर का ये इंड अगर फिक्स होगा तो रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू हो जाएगा I/L, ठीक है। रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होगी, I/L। अगर ये इंड हिंज होगा तब इसके रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू लिखेंगे 3/4 I/L, 3/4 I/L इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखते हैं कौन सा एंड कैसा है। मेंबर BA है, मेंबर BA में आप देख सकते हैं कि मेंबर B से A किस तरह का एंड है, तो फिक्स एंड है। फिक्स एंड के लिए क्या लिखेंगे, I/L लिखेंगे। B से C का मेंबर कैसा, यहाँ का एंड कैसा है, B से C तक में देखिए, तो यहाँ पर C जो है हिंज है, ठीक है, लेकिन इस C के आगे क्या है, सपोर्ट है। इस C के आगे भी क्या है, सपोर्ट है, फिक्स एंड है। तो यहाँ C जो है हिंज की तरह वर्क नहीं करेगा, यहाँ C किस तरह वर्क करेगा, फिक्स की तरह वर्क करेगा। अगर D सपोर्ट पर हिंज होता फिर भी C जो है फिक्स की तरह ही एक्ट करता, क्योंकि इसके आगे भी सपोर्ट है। सपोर्ट अगर वहाँ पर होगा तब हम यूज करेंगे एज ए फिक्स, अदरवाइज फिक्स इसको यूज नहीं करते, ठीक है।
तो यहाँ बी सी भी फिक्स की तरह यूज होगा। सिमिलरली सी बी भी जो होगा ये भी फिक्स की तरह काम करेगा, ये भी फिक्स की तरह काम करेगा। सी डी तो फिक्स है ही फिक्स, ये देख ही रहे हैं तो फिक्स यहाँ पर लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चारों मेंबर जो यहाँ पर है, चारों मेंबर यहाँ पर क्या है, आई बाई एल, आई बाई एल, आई बाई एल और आई बाई एल है। ये चारों की तरह हम रिलेटिव स्टिफनेस निकाली है। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस किसको कहते हैं कि एक जॉइंट पर जितने मेंबर आते हैं उन मेंबर को जोड़ना। टोटल का मतलब ये नहीं हुआ कि इन चारों को एक साथ जोड़ देंगे, जी नहीं, ये गलती कभी नहीं करना है। टोटल स्टिफनेस में क्या करना है कि इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे एंड इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जब हमने एक साथ जोड़ा तो ये आ गया 5 5 बाई 12, इसके लिए आई बाई 2 आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हमने जोड़ा तो इतनी वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है आई बाई मतलब रिलेटिव स्टिफनेस बट्टा में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। अगर हमको मेंबर बी ए के लिए यूज करना है तो बी ए का लिखेंगे रिलेटिव स्टिफनेस यानी आई बट्टा 6 और डिवाइड बाई होगा टोटल यानी कि 5 बट्टा 12। जब हम इसको डिवाइड किए तो ये आ गया 2 बाई 5 और ये आ गया 3 बाई 5। इस तरह से ये चारों वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो कि कहलाता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप। मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी स्टेप में होता है। दो स्टेप में अभी तक तो हम लोग वर्क कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसको, कैसे हम लोग मतलब कि एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि उसको सॉल्व करने के लिए। तीसरा जो स्टेप है इसमें हम लोग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करेंगे क्या कि जैसा आपको बीम दिया हुआ है वैसा बीम को ड्रॉ कर लेना है। मतलब एक फिक्स इंड ए पर है, फिक्स इंड डी पर है, बी सपोर्ट बी से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे एंड सी से भी एक लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। मतलब जैसा बीम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, या तो आपको दिया होगा हिंज बीम, या फिर दिया होगा कंटिन्यूअस बीम, या फिर दिया होगा आपको प्रोप कैंटिलीवर। तो जैसा भी बीम आपको दिया होगा उस बीम के अकॉर्डिंग इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो आपने मोमेंट कैलकुलेट किया हुआ है, फिक्स्ड मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है उस मोमेंट को उस पोजीशन पर लिख देना होता है। ठीक है, जैसे मोमेंट एट ए ड्यू टू बी आपने कैलकुलेट किया हुआ है ए पर मोमेंट बी के वजह से, तो जो वैल्यू आया यहाँ पर लिख दिए। देखिए कितनी वैल्यू आई थी, तो वो वैल्यू आ गया था यहाँ पर ए पर मोमेंट बी के वजह से -6.67, यहाँ पर हमने लिख दिया -6.67। ठीक है, बी पर मोमेंट ए के वजह से कितना आया, बी पर मोमेंट ए के वजह से कितना आया, 13.33 प्लस में है। जिस सिंबल के साथ में आया वही सिंबल यहाँ पर पुट करेंगे, 13.33 प्लस में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से सारा वैल्यू बी सी, फिर सी बी, फिर सी डी और डी सी, सबको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना होगा। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या किया, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सी डी के लिए और डी सी के लिए सभी वैल्यू जब यहाँ पर पुट हो गए। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं, देखिए प्रोसीजर यहाँ पर समझना होगा कि अगर आपको जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा था कि वहाँ पर जो इंड थे वो हिंज था, यहाँ भी हिंज था, तो हिंज इंड पर मोमेंट रेसिस्ट नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर मोमेंट को हमने बैलेंस किया हुआ है। मोमेंट को बैलेंस किया वो मतलब उस वहाँ जो मोमेंट था लोड के वजह से, उस मोमेंट को वहाँ से हमने हटाया है, जीरो बनाया हुआ है उल्टे साइन के, उसके अपोजिट साइन के साथ में उसको हमने एडिशन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स इंड है और फिक्स इंड पर मोमेंट रेसिस्ट होता है, फिक्स इंड पर मोमेंट को रेसिस्ट होता है, मोमेंट करता है रेसिस्ट वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जीरो बनाएंगे हम लोग नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने आपको बता रखा है कि करते क्या है, ज्वाइंट पर हमेशा याद रखेंगे, ज्वाइंट पर, इंड पर नहीं, ज्वाइंट पर। ज्वाइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए थे। ज्वाइंट पर जो मोमेंट आपको मिला हुआ है उस मोमेंट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, आपस में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मोमेंट को जोड़ेंगे, 13.33 प्लस में है, 13.33 यहाँ पर माइनस में है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो जो आया वैल्यू होता है, यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जीरो आ गया, जनरली जीरो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीरो ही आ गया है। तो जो वैल्यू आपके पास मिला उस जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे डीएफ से, यहाँ का डीएफ है 3/5, अगेन जीरो आ जाएगा तो जीरो ही लिखेंगे, और इसके बाद अगेन मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 2/5, यहाँ का डीएफ है 2/5, तो 2/5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी जीरो आया, तो ये वैल्यू को यहाँ पर हमने जीरो लिखा हुआ है। अगेन दूसरा जो इंड है यहाँ पर सी इंड के लिए, अगेन क्या किए, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 13.33 और -5 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 8.33 आ जाएगा। इस 8.33 के साथ में, 8.33 के साथ में हमको क्या करना होता है, 8.33 किस में आया, प्लस में आया, तो इसको हमने क्या मानना है, अपोजिट साइन मानना है। क्या साइन मानेंगे, अपोजिट साइन मानेंगे। अपोजिट मानेंगे तो मतलब क्या होगा, -8.33 हो जाएगा,
अपोजिट अगर मानेंगे तो माइनस 8.33 हो जाएगा। अब इस माने हुए साइन में, इस माने हुए साइन में हमको मल्टीप्लाई करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, ठीक है। यानी कि माइनस 8.33 में हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 का, 1/2 का मल्टीप्लाई किए तो आ गया कितना वैल्यू, 4.4165 का वैल्यू आया। और ये जिस वैल्यू में आएगा, माइनस में आया तो हम यहाँ पर माइनस में यहाँ पर पुट किए, ठीक है। जहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ तो दोनों केस में 1/2 है, 1/2 है यहाँ पर दोनों ही, तो दोनों ही यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इक्वल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जिस DF के साथ में, जिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी DF के नीचे हम इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमको जीरो मिल गया है, जो कि जीरो यहाँ पर आता नहीं है जनरली, लेकिन इस केस में जीरो आ गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जीरो डायरेक्ट लिख देना है। तो ये पहला केस हो गया। जब पहली बार इसको मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए हुए मोमेंट को, याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए मोमेंट को कैरी ओवर हम लोग ले जाते हैं। ये प्रोसीजर है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। देखिए कैरी ओवर, जितना भी ये तीर वाला निशान देख रहे हैं, ये सब क्या है, कैरी ओवर है। कैरी ओवर हमेशा जाता है नज़दीक एंड पर, और तभी जाएगा कैरी ओवर जबकि नज़दीक एंड फिक्स हो, हिंज या फ्री हो या रोलर हो। इस केस में फिर कैरी ओवर नहीं जाएगा, ठीक है। कब जाएगा, जब हमारा एंड फिक्स हो, क्योंकि फिक्स एंड मोमेंट को रेसिस्ट करता है, अदरवाइज कोई भी एंड रेसिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड पर यहाँ पर मोमेंट गया, ये जीरो था तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर कैरी ओवर मोमेंट कितना होता है, तो अप्लाइड मोमेंट का आधा होता है, यानी कि जितना मोमेंट यहाँ पर अप्लाइड है उसका आधा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में कितना मोमेंट जाएगा, 4.165 का, 4.165 का आधा हो जाएगा 2.0825, ठीक है। 2.0825 यहाँ पर ये मोमेंट यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से देखें तो यहाँ का, इसका भी मोमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, इसका मोमेंट यहाँ ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारा मोमेंट को ट्रांसफर किया गया। सेकंड स्टेप जो आता है, सेकंड स्टेप, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको आ गया -2.0825। अब क्या करेंगे, यहाँ भी जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई मोमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर और भी कोई मोमेंट नहीं दिख रहा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ज्वाइंट पर कुछ भी नहीं जुड़ा, इस केस में इस ज्वाइंट पर कुछ भी जुड़ा क्या, कुछ नहीं जुड़ा। लेकिन इस केस में क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो मान लेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो मान लेंगे। अब देखिए इसको जीरो को और -2.0825 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगा -2.0825। हमने क्या कहा कि इन दोनों मोमेंट को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया उसका साइन हम उल्टा करते हैं, माइनस आया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसके साथ में हम DF का मल्टीप्लाई करेंगे, DF कितना है 3/5, तो 3/5 से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आ गया 1.25। तो यहाँ लिख दिए, यहाँ का DF कितना था 2/5, तो 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.833 आया। तो इसको हमने इस साइड में लिख दिया, जिस साइड के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड में हम इस वैल्यू को लिखेंगे। इसी तरह से पूरे प्रोसीजर को करते चले और हम तब तक करते रहेंगे, इस प्रोसीजर को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा फाइनल वैल्यू 0.01 या 0.02 नहीं आ जाए, ठीक है। कब तक करेंगे इस प्रोसीजर को, जब तक कि फाइनल वैल्यू, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 0.04 आ गया था तब हमने छोड़ दिया, इसके बाद एक स्टेप और होता वहाँ पर 0.01 आपको देखने को मिल जाता, ठीक है। तो इस केस में हमने 0.0 तक ही छोड़ दिया था, इतने पर ही ये टोटल वैल्यू को हमने जोड़ा तो ये इक्वल आ गया था। और एक बात और ज़रूरी है यहाँ पर कि जब आपने इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से टोटल वैल्यू को आप जोड़ेंगे, यहाँ से टोटल वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी ज्वाइंट, किसी भी ज्वाइंट पर समेशन ऑफ मोमेंट जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आया तो आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर है। 14.225 यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपको इक्वल वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है जो कि प्लस माइनस है, तो यानी कि ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस जॉइंट पर भी +9.4775 और -9.4775 देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये हमारा वैल्यू सही आया हुआ है। चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं तो वैल्यू उस समय भी आपको सेम ही आएगा, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट में होता है, तो जो भी वैल्यू देगा आपको वो इक्वल ही देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हमने क्या देखा, तीसरे स्टेप में देखा कि मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। अब देखेंगे इसके चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करना होगा, तो आपको ये सारे वैल्यू को वहाँ पर सिर्फ ड्रॉ करना, और कुछ करना तो है नहीं।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल लाइन को ड्रॉ करना होता है। सिंपल लाइन हम ड्रॉ कर लिया और जो वैल्यू आपको आया हुआ है उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेना होता है। जैसे कि कल हमने क्लास में बताया था कि आपके पास अगर फिक्स बीम है और फिक्स बीम पर आपको जो सपोर्ट लगे हुए हैं तो आपको कहाँ बनाना है, अगर प्लस आया तो माइनस आया तो डायग्राम ऊपर होगा, प्लस आया तो डायग्राम नीचे बनाना है। और इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो जाता है। फिर एक और अगर आपके पास सपोर्ट है तो अगर डायग्राम आपका प्लस में है तो ऊपर बनाना है, माइनस है तो नीचे बनाना है। यहाँ पर माइनस ऊपर हो जाएगा, यहाँ प्लस नीचे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल का आप ख्याल रखें डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। याद रहे डायग्राम कौन सा ड्रॉ करने की बात करें, जो कि मोमेंट वाला वैल्यू आया था, मोमेंट एट ए मोमेंट एट बी जो आया था उसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला मोमेंट जो आया था माइनस में था 6.20, माइनस में था तो ये कहाँ होगा, माइनस ऊपर होगा, प्लस में नीचे, तो इसलिए डायग्राम को कहाँ बनाया गया, प्लस में ऊपर की तरफ में ये बनाया गया है। तो इस डायग्राम को इस तरह से 6.20 का हाइट मान ली, इतना होगा। कोई स्केल यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप स्केल से एग्जैक्ट मेजर करके ही बनाइए, आप कुछ मान भी सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 सेंटीमीटर के बराबर मानते हैं, तो उसी स्केल से आप यूज करके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज ले सकते हैं कि इस हाइट को 6.20 माने हैं, इस हाइट को 14.25 माने, इस हाइट को 9.44 माने, इस हाइट को 2.76 माने हुए, एक आप अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, फ्री हैंड नहीं मतलब स्केल से इसको मैच करा देना है। ये हो गया आपका डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा हुआ, ड्यू टू जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, जो डिस्ट्रीब्यूट होकर के मोमेंट आया हुआ है उसका आपने यहाँ पर बीएमडी बना दिया है। उसके बाद जो BMD बनाना है वो बनाना है ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो इस स्पैन ए बी में, यहाँ पर स्पैन ए था, ये बी है, ये सी था और ये डी था, तो ए बी में जो था पॉइंट लोड था। पॉइंट लोड के लिए मैक्सिमम BMD जो बनता है, मैक्सिमम BMD होता है ट्रायंगुलर इन शेप। BMD का जो डायग्राम बनता है पॉइंट लोड के लिए, आप सभी जानते होंगे कि वो ट्रायंगुलर शेप में बनता है, और वे मैक्सिमम लोडिंग डायग्राम जो बनाएंगे उसके लिए वैल्यू हो जाता है WAB by L। क्यों, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस पर था इसलिए WAB by L का यूज किया है। तो ये वैल्यू आ गया है 20, जहां A हो जाएगा इसका डिस्टेंस, B हो जाएगा यहां का डिस्टेंस, तो ये वैल्यू हो जाएगा यहां से 20 किलोमीटर। तो जो भी आया, तो ये 6 है, 14 है, तो इसका हाइट इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो हमने ज़्यादा बनाया इसका। दूसरा है UDL है, तो UDL के लिए जो वैल्यू होता है ये होता है WL2/8, और शेप कैसा होता है इसका BMD का, तो ये होता है पाराबोला शेप में होता है, तो इसलिए हमने पाराबोला शेप का बना दिया 20 किलोमीटर का। ठीक है, और तीसरा जो शेप है, अगेन ये पॉइंट लोड था इक्वल डिस्टेंस पर, तो ये होता है WAB by L, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, सेम ही आएगा। WL by 4 भी इसको हम लोग लिखते हैं, WL by 4 भी लिखते हैं, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही रहता है। देखिए AB by L का जो फॉर्मूला है ना, ये सबके लिए सेम ही लगेगा, क्योंकि अगर आप हाफ डिस्टेंस के लिए बनाएंगे तो फॉर्मूला निकल के वो सेम ही वैल्यू आ जाता है। तो जनरली ये WL by 4 लिखें, अच्छा है WAB by L लिखें, जहाँ A और B की वैल्यू जो होगी वो L by 2 और L by 2 रखेंगे, तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकाल, तो 10 आ गया। तो इस तरह से ये सारा वैल्यू को देखिए, 10 हमने जो बनाया 9.47 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया हुआ इसका पिक की वैल्यू, तो आप इस तरह से अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पर भी लेकर के बना सकते हैं। तो ये थे अपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के पार्ट 2 में क्वेश्चन, जो कि फिक्स बीम का था। पहले पार्ट में हमने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम था और दोनों साइड उसके हिंज थे, लेकिन आज के डेट में हमने फिक्स कंटिन्यूअस बीम के बारे में बात किया। अपने नेक्स्ट क्लास में हम और भी दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, और ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल के बारे में आपको हम दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।